आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। हर क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में जब एक समय बीत जाए, राजनीति का एक युग हो जाए उस पार्टी के वर्चस्व का और अस्तित्व का, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय बनना चाहिए। कुछ इसी तर्ज पे काम कर रही है जेडीयू। देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसी समय अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने 14 उम्मीदवार उतारे थे जिसमें से उनके 7 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जेडीयू के लिए। खैर, वाईआरएस कांग्रेस ने सरकार बनाई और रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। गौर करिएगा कि इस शपथ ग्रहण में कहीं ना कहीं जेडीयू के दूसरे नंबर के कुर्सी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो रणनीति बना रहे थे वाईआरएस कांग्रेस की। वहीं आरजेडी ने इस पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जहां आरजेडी कह रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कहना है कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं। आपको याद करा दें कि किस तरीके से जेडीयू के झारखंड अध्यक्ष ने कहा था कि जेडीयू झारखंड में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी के तर्ज पर आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि वो हर राज्य में बिहार को छोड़कर अलग चुनाव लड़ रही है, ताकि उनके पार्टी से जो सदस्य जीते उसकी बदौलत जेडीयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी साबित कर दे। आरजेडी चुटकी ले रही है, बीजेपी के तरफ से कुछ बयानबाजी आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब हमने जेडीयू के मंत्री नीरज कुमार से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी भी पार्टी का विभिन्न राज्यों में सांगठनिक विस्तार उसके अधिकार क्षेत्र में है, और जनता दल यू पूर्व में भी, चाहे वह छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, विभिन्न राज्यों के चुनाव में अपनी सीमित ताकत में हम चुनाव लड़े हैं। तीसरे मतभेद की बात कहाँ आ रही है? बिहार में हमारा गठबंधन अटूट है। जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जनादेश दिया है, और उसके पूर्व जो 7 निश्चय और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कहाँ कोई परेशानी है? अब विभिन्न राज्यों में, अब अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायक जीत गए, 7 विधायक जीते, तो क्या ये गुनाह हो गया? हम अपनी पार्टी का सांगठनिक विस्तार नहीं कर सकते हैं? जो लोग इस ढंग की खबरों पर अपनी कयास लगाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक पार्टी को अपना सांगठनिक विस्तार करने का अधिकार है, और जनता दल यू निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयासरत है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।